शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दर्शकों नमस्कार। लॉकडाउन के चलते जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के ऊपर में जो एक भूखमरी की नौबत आ पड़ी और कई ऐसे कामकाज जो पूरे देश में रुके हुए, जिसके चलते देश की आर्थिक परिस्थिति भी काफी खराब हो चुकी है, ऐसे में जिम्मेदार कौन, इसके लिए ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, यही आज का यह टॉपिक है। और आज के इस टॉपिक में बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं चेन्नई से राजेंद्र सिंह साहब। राजेंद्र सिंह साहब, आपका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो दर्शकों इसी प्रकार से हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नागपुर से है, राजन अग्रवाल साहब। राजन अग्रवाल साहब, हम आपका भी स्वागत करते हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू। और मैं हूं आपका होस्ट संजय। दर्शकों जैसे कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन कोरोना महामारी की रोकथाम एवं जन जागृति करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक लॉकडाउन जो जारी किया था पिछले 2.5-3 महीनों से, यह लॉकडाउन पूरे देश में है, पूरे राज्यों में है, पूरे शहरों में है, जिससे काफी कामकाज जो है, व्यवसाय है, जो पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। इसी विषय को लेकर हम सबसे पहले रुख करना चाहेंगे हमारे पहले मेहमान जो कि राजेंद्र सिंह साहब चेन्नई से जुड़ चुके हैं। मैं उनसे सवाल पूछने से पहले दर्शकों मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो है राजेंद्र सिंह साहब, आप ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन गुड्स व्हीकल ओनर एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी हो और एको गोवा जिसे कहते हैं, और काफी अच्छा आपका कामकाज है और पिछले कई वर्षों से लगातार आप इस देश की सेवा ट्रांसपोर्ट इस व्यवसाय के माध्यम से कर रहे हो और हम आपके पास आना चाहेंगे। उससे पहले हमारे जो दूसरे जो मेहमान है उनके बारे में भी मैं उनका प्रोफाइल आपको बता देना चाहता हूँ दर्शकों के। राजन अग्रवाल साहब जिनका बूटीवर में एक लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रहे हैं, बड़ी जगहों में ये कारोबार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे कि लॉजिस्टिक का जब इसका जिक्र होता है तो हमारे जहन में एक बात आती है कि लॉजिस्टिक यानी क्या, व्हाट मीन बाय लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक यानी जैसे कि वेयर हाउस होता है, गोडाउन होता है, गाड़ी की पार्किंग होती है, स्टील स्टोरेज होता है, इन तमाम चीजों को, वस्तुओं को रखने के लिए एक कामकाज जो होता है, बड़ी जो जगह होती है वो लॉजिस्टिक होती है। और ये काम बखूबी के साथ हमारे मेहमान राजन अग्रवाल साहब कर रहे हैं, जो कि पिछले 15 वर्षों से लगातार देश की सेवा इस माध्यम से भी कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल आज के हमारे पहले मेहमान राजेंद्र सिंह साहब से, राजेंद्र सिंह साहब क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी सर, आवाज आपकी क्लियर है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। मेरा पहला सवाल, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय लॉकडाउन से कितना प्रभाव इस ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में गिरा हुआ है, क्या कहना चाहोगे? आपने बहुत अच्छा पूछा। देखिए, जो लॉकडाउन हुआ मतलब तालाबंदी जी, तालाबंदी हमारे मुल्क में जब 24 मार्च को 22 तारीख को एक दिन के लिए कर्फ्यू था जी, 24 तारीख 4 घंटे के नोटिस के ऊपर में ये लॉकबंदी को चालू किया गया। शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने 4 घंटे के नोटिस के अंदर जी, और आप देखिए कि हमारा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, काठमांडू से लेके असम मेघालय ईस्ट तक, इतना लंबा चौड़ा विशाल मुल्क है, जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी गाड़ी को हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, और आजकल नेशनल परमिट की वजह से सारियां गाड़ियां डायरेक्ट जाती हैं, तो वो 4 घंटे के अंदर में कहां पर पहुंचेंगे। उसके साथ में सबसे पहले तो जो गाड़ी रस्ते में थी, लोड के साथ में जा रही थी या खाली थी, उनको 25 तारीख के बाद में ही बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ढाबे सारे बंद हो गए सड़क के ऊपर में, पुलिस वालों ने जगह जगह पे उनके लिए चेकिंग चालू कर दिया जी, तो जिसके साथ में जो ड्राइवर है वो रोटी खाने से भी मुताज हो गए, पैसे भी नहीं उनके पास में, बैंक में भी नहीं, तो बहुत मुश्किल से कई कंपनियां, कई कॉर्पोरेट आगे आए, तो जो हफ्ता 10 दिन के अंदर में ड्राइवरों को जो रस्ते में थे, कुछ गाड़ियां रस्ते में ही खड़ी करके छोड़ के अपने अपने घर में चले गए, जो वो मालकों के लिए और ड्राइवरों के लिए एक बहुत ही कष्ट भरे वो दिन, जब आपका एम्प्लाई उसको रोटी नहीं मिली है तो आपको भी नींद नहीं आती है, तो ये जो है बहुत तकलीफ का टाइम थे, क्योंकि उसके अंदर में टाइम नहीं दिया गया।
लॉकबंदी हुई, पहले 3 हफ्ते की थी, फिर उसको बढ़ा दिया गया, और बढ़ाने के साथ में जैसे जैसे ये काम बंद है उसके अंदर में सारी दुनिया भी बंद हो जाए, मगर ये ट्रांसपोर्टेशन बंद होगी तो आदमी का खाना पीना हर एक चीज बंद हो जाएगी। एसेंशियल सर्विसेज है गवर्नमेंट ने रिलाइज किया, कुछ जरूरी वस्तुओं के लिए उन्होंने चालू किया जी। पर ये महामारी के अंदर में जो अपने को पहले कुछ ट्रेनिंग करनी चाहिए उसकी वजह से बहुत से आदमियों को बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी। बिल्कुल। और ग्राउंड लेवल के ऊपर में भी जो पुलिस है उनके बहुत अच्छे आदमी भी हैं और हर तरह के उसके अंदर में आदमी है, कई जगह उन्होंने बिना वजह से उनको परेशान भी किया जी। नॉलेज किसी को भी नहीं है, पर ये परेशानियों का जो है शुरुआत वहां से चालू हुआ है। और अभी लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आया, हमने घंटियां भी बजाई, मोमबत्तियां भी बजाई, पर जो जैसे हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर्स हैं, बाकी आदमी है जो वहां पर लड़ाई करते हैं जी जी, जैसे सैनिक है हमारे कंट्री के बॉर्डर के ऊपर में है, अगर देखा जाए ये सबके अंदर में जो एक मेन लिंक है वो है ड्राइवर, वो है गाड़ी। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह माल नहीं पहुंचाएगा, ना तो हमारे सिटी के अंदर में एक घर से दूसरी जगह से माल पहुंचेगा, ना घर में दूध, ना घर में खाने की जगह, ना किसी जगह, ना हॉस्पिटल में दवाई, ना और किसी। पर उनके प्रति गवर्नमेंट बिल्कुल लापरवाह है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि जो अपने ड्राइवर्स हैं हाईवे वैरियर कहें उनको, तो जैसे फौजी अगर बॉर्डर के ऊपर में लड़ाई लड़ता है तो ये भी अपने पूरी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए इसको भी हाईवे वैरियर कहना चाहिए और इसका पूरा मान सम्मान होना चाहिए। हमारे सबको अच्छा लगा जब यूएसए के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप जी ने ड्राइवरों की वहां पर उनकी सम्मान दिया जी, पर अपने मुल्क के अंदर में उनको कहीं ना कहीं परेशानियां तो उनके लिए जरूर खड़ी कर दी गई, पर उनको ना तो कोई सम्मान, ना उनके लिए कोई हेल्थ कवर, ना उनके लिए कोई और सुविधा, ना उनको रोटी पानी के लिए, ये जो है एक बहुत मंदभागी बात है। बिल्कुल, बहुत सारे आपने जो इल्जाम है केंद्र सरकार के ऊपर में लगाया है, क्योंकि उनकी जो नीतियां जो उस समय में जो शुरू थी वो कहीं ना कहीं आप जैसे जो व्यापारी है, बड़े ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जो है, इनके ऊपर में एक काफी प्रभावित करने वाली वो बातें थी। आपका ये मानना है, आपका ये कहना है राजेंद्र सिंह साहब के, उन्होंने चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो या फिर फिजिकली डिस्टेंस, फिजिकली इसमें अगर सोचा जाए तो दोनों के इसमें आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, क्योंकि उससे आपको कुछ भी मिला नहीं है, मान सम्मान नहीं मिला है, इस बात का दर्द आपके बातों से छलक रहा है। मेरे दूसरे जो मेहमान इस समय में जो जुड़ चुके हैं राजन अग्रवाल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। राजन जी, ये बताइए कि लॉकडाउन की पहले की जो परिस्थितियां थी और आज की तारीख की जो परिस्थितियां हैं, क्या आपको लगता है किस तरह की परिस्थितियों से ये देश और ये व्यापारी गुजर रहा है? देखिए, इसमें आप जानते हैं जैसे लॉकडाउन के पहले की बात करें तो देश काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, ग्रोथ थी, प्रोग्रेस थी। हालांकि कुछ अड़चने आ रही थी, फिर भी बिजनेस और इकोनॉमिक ग्रो हो रही थी। अब आज की तारीख में ये है कि हालांकि लॉकडाउन को अनलॉक 1 करके खोल दिया गया है, फिर भी व्यापार, फिर भी बिजनेस काफी कम हो गया है। दूसरा, जो हमारे लिए काम करते थे हमारे ड्राइवर्स, काफी सारे ड्राइवर्स अपने अपने गांव माइग्रेट हो गए हैं और ये अब जल्दी से आना नहीं चाहते, इनको वापस बुलाने में हमें बहुत कठिनाई हो रही है। तो एक जो इस व्यापार में, ट्रांसपोर्ट लाइन में शुरू से ही ड्राइवर शॉर्टेज का प्रॉब्लम था, आज वो प्रॉब्लम और भी अधिक बढ़ गया है। और ड्राइवर की जो पहले शॉर्टेज 10 या 20% थी, आज वो 50-60% हो गई है। और जो एक नुकसान है, आज अगर ट्रांसपोर्ट लाइन में आप देखें तो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा नियम एक ही है कि उसका चक्का चलना चाहिए, गाड़ी का चक्का चलना चाहिए, चलती का नाम गाड़ी जिसे हम बोलते हैं। बिल्कुल, और जबकि पूरे पहिए रुक चुके हैं, पहिए रुक चुके हैं, और ये पहिए ही नहीं रुके हैं, पहिए चलाने वाले भाग चुके हैं, ये अपने वापस गांव चले गए हैं। तो अगर पहिए है भी, गाड़ी भी खड़ी है, पर जब तक उसको कोई चलाने वाला नहीं है तो ये परेशानी और ये दिक्कतें कई समय तक आगे आती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपने सटीक जानकारी देते हुए ये बताया कि किस तरह से गाड़ी चलाने वाले भाग चुके हैं,
कहने का तात्पर्य कि वे अपने गांव लौट चुके हैं, अब गाड़ी कौन चलाएगा, किस प्रकार से ये कामकाज होगा, क्योंकि इसमें सरकार का भी काफी नुकसान हो रहा है, कई करोड़ों का नुकसान सरकार को झेलना पड़ रहा है, जिससे महंगाई की मार भी आने वाले दिनों में हो सकती है, महंगाई भी बढ़ सकती है। मेरा एक सवाल राजेंद्र सिंह साहब आपके ऊपर में ये था कि जिस प्रकार से आपने जो कई आरोप जो केंद्र सरकार के ऊपर में लगाए, क्या आपको उस समय ऐसा नहीं लगा, क्या आपने गवर्नमेंट को इस बारे में कोई जानकारी देना चाहिए थी, क्या आपको जिस प्रकार से जो तकलीफों का जो दौर जो आपके जारी था, जिन तकलीफों से आप गुजर रहे थे, उसके बारे में सरकार को आपने उनसे रूबरू करवाया क्या, उनसे कोई जानकारी दिया क्या सरकार को, तो अगर कोई दिया तो क्या दी थी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? संजय जी, मैं पहले एक चीज बात कहना चाहूंगा। देखिए, सरकार हमारी है जी, हम सरकार के ऊपर में आरोप नहीं है। एक आरोप लगाना होता है, एक आता है कि अपनी पोजीशन को सन्मुख करना जी, जी अपनी तकलीफ को हाईलाइट करना। जो हालात बीते हैं, जो आपने पूछा था, मैंने उसकी स्थिति आपके सामने वर्णन करी है, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं जी जी। आरोप ये होता है कि अगर कोई जानबूझ के करे, बिल्कुल, तो ये जो है हालात से पैदा हुई स्थिति है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ में जिक्र किया है। लेकिन हालात तो, जो बनी थी, उस हालात को सुधारने का काम तो आखिरकार सरकार का ही है ना। सरकार बिल्कुल ठीक है, देखिए सरकार भी अपनी है, बिल्कुल, सरकार के जो नुमाइंदे वो क्यों नहीं कर रहे, ये मेरा सवाल था। एक चीज है, प्रभावित हुए थे आपका जो चीज है, इसका जवाब तो मैं तो नहीं दे सकता, ये तो पब्लिक पूछ सकती है कि सरकार क्यों नहीं करते, या सरकार की क्या मजबूरियां हैं, या सरकार पब्लिक, या उनसे पब्लिक पूछ सकती है, या आप मीडिया वाले पूछ सकते हैं। मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, आपके सन्मुख हमने दिखा भी सकता हूं आपको, आपको चाहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। जैसे ही 24 मार्च को हुआ, उसके पहले भी और उसके बाद भी लगातार ये हमने लेटर एक एक प्रॉब्लम के ऊपर में ये हमने उनके सामने पूरे गवर्नमेंट के आगे रखे हैं, एक एक प्रॉब्लम को उनके हाईलाइट किया गया है। और हमारी गवर्नमेंट की क्या चीज है, हमारे समझ में नहीं आता। कई बार तो हालात ऐसे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं हमारे को कि हम जैसे सरकार के कुछ नहीं लगते, हम यतीम हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी आप सबको ये पता है कि 2 महीने तक गाड़ियां खड़ी रही, गाड़ियों के अंदर में कोई चली नहीं है, पूरा बंद था, हार्डली 10-15% एसेंशियल गुड्स की गाड़ियां चल रही थी, बाकी सब जगह गाड़ियां खड़ी हैं। गाड़ी का काम एक ऐसा है कि जिसके अंदर गाड़ी चलती है, चक्का घूमता है, तो वो मालिक का भी पेट भरती है, किस्त भी देती है, फाइनेंसर को भी देती है, और ड्राइवर का भी पेट भरता है। गाड़ी खड़ी है तो सारी लायबिलिटी उसके ऊपर में है। मैं आपके साथ में एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो एक 25 लाख रुपए की गाड़ी आती है जी, उसके ऊपर में 1 महीने की 1 लाख रुपए की लायबिलिटी बनती है मालिक के ऊपर। बराबर। अगर वो गाड़ी 10 लाख की है तो उसके ऊपर में 40,000 आ गई, तो अगर कोई गाड़ी 30 लाख की है तो उसके ऊपर में 1.25 लाख की आ गई। तो मैंने एक ये आपके सामने एक फंडामेंटल बताता हूँ, जिसके अंदर में गाड़ी का टैक्स जो गवर्नमेंट को भरा जाता है, परमिट का खर्चा, इंश्योरेंस, उसकी मंथली ईएमआई, ब्याज और ऊपर का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, ये खर्चे मिला के, तो ये गाड़ी के ऊपर में खड़ी है या चलती है, या लाख रुपए 25 लाख की गाड़ी के ऊपर में पड़ना ही पड़ना है। बिल्कुल। अभी देखिए कि जो गाड़ी वाला पहले ही पिछले, आप सबको पता है कि 1.5 साल से हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रगल कर रही थी, रिसेशन नहीं है, पर रिसेशन में नहीं है, पर मंदी के दौर में थी। उस मंदी के दौर में ही ऑलरेडी गाड़ी वालों का सबसे बुरा हाल है। तो जब भी कभी किसी इकोनॉमी के अंदर में मंदी आएगी तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो ट्रकर्स के ऊपर में पड़ता है। ज्यादा माल डोवा डोवाई नहीं होगी तो गाड़ी को माल भी कम मिलेगा। बराबर। उसके ऊपर में ये लॉकबंदी आ गई, रस्ते में ड्राइवर छोड़ के चले गए,
अभी ये हमारे लिए एक ऐसी पोजीशन है कि जिसके अंदर में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है जी, उन्होंने इतने डीट हो चुके हैं, या उनके आंखों में पट्टी है, या हम इसलिए सोचते हैं कि हम यतीम है, हमारी तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं जाता जी जी कि ये चीज सबके सामने है कि गाड़ी खड़ी है, उसका खड़ी गाड़ी का वो टैक्स कैसे भर सकता है, उस खड़ी गाड़ी की इंश्योरेंस कहाँ से लाके भरेगा, उस गाड़ी खड़ी का इंश्योरेंस और बीमा और ब्याज किस्त कहाँ से देगा, उसने ड्राइवर का बाकी सवारियों को भी रोटी पानी खर्चा भी देना है, कहाँ से मैनेज करेगा। बिल्कुल, और आज तक हिंदुस्तान की सारी स्टेटों में से जी जी सिर्फ 4 स्टेटों ने हाँ जी दो महीने का हाँ जो टैक्स है वो माफ किया है। अच्छा जी जी हाँ जी, और गवर्नमेंट ने हाँ जी मोरेटोरियम दिया है ईएम के लिए। मोरेटोरियम क्या है कि आपको ब्याज क्या तो लगेगा, हाँ जी, आपके किस्त आगे होगी ताकि आपका सिबल के अंदर में आपका स्कोर खराब नहीं हो। हाँ जी, अगर मैं खुद ही जीने के लायक नहीं हूं, मर रहा हूं, तो मेरा स्कोर खराब हो या बुरा हो तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। मेरे तो आज चाहिए मदद, मेरे को आज हमारी जो गाड़ी है जिस दिन से चलती है जी, सारे बिजनेस वाले काम करके प्रॉफिट कमा के बाद में टैक्स भरते हैं। जी जी गाड़ी के व्यवसाय ऐसे है कि गाड़ी लेते ही पहले जीएसटी जाता है गवर्नमेंट को। मैं पहले टैक्स भरूंगा, परमिट भरूंगा, इंश्योरेंस भरूंगा, तो मेरी गाड़ी रोड पे आती है, एडवांस में हर एक चीज आती है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आज गाड़ी गाड़ी को यदि खरीदना चाहता है तो वो भी एक मुसीबत है। जैसे कि राजेंद्र सिंह साहब ने बताया कि यदि 25 लाख की गाड़ी खरीदना हो तो 1 लाख का खर्चा तो पक्के में है, 10 लाख की गाड़ी खरीदना है तो 40 हजार का खर्चा पक्के में, तो वही 30 लाख की यदि गाड़ी खरीदना हो तो 1.25 लाख के आसपास भी खर्चा आता है। और जब भी ये हम गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें जीएसटी, टैक्स, इंश्योरेंस, ईएमआई, ये जो है हमारा ईएमआई, ये तमाम बातों को पूरा फुलफिल करना पड़ता है, तब कोई गाड़ी निकलती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों के पहिए रुक चुके हैं इस, और जैसे कि राजेंद्र सिंह साहब ने कहा है कि आज हम यतीम हो चुके। यतीम एक बहुत बड़ा उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, अक्सर इस प्रकार का कोई प्रयोग करता नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बने हैं कि मजबूर वश सिर्फ राजेंद्र सिंह साहब ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट के तमाम तमाम देश के जितने भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वे लोग आज खुद को यतीम समझ रहे। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन, इन्हें अनाथ बनाने का काम कौन कर रहा, इसी इस सवाल को लेकर मैं फिर से एक बार रुख करना चाहूंगा हमारे दूसरे मेहमान राजन अग्रवाल साहब की ओर। अग्रवाल साहब, आपने राजेंद्र सिंह साहब की तमाम बातें सुनी, आप मुझे ये बताएंगे, एक मिनट मैं राजेंद्र सिंह साहब, अग्रवाल साहब, ट्रांसपोर्ट बिजनेस का आगे का भविष्य आप किस रूप में और कैसे देखते हो, क्या कहना चाहोगे आप इसमें? सर, मैं राजेंद्र सिंह की बात से बहुत सहमत हूँ। एक बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए एक तरफ तो सरकार किसी मदद रूप आगे बढ़ नहीं रही, दूसरी तरफ हमको जहाँ पे मार लग रही है, आए दिन आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जी, ये दो तरफा मार है हमको कि एक तरफ हमको जो ऑलरेडी हम बिजनेस की कमी से जूझ रहे हैं, उस दूसरी तरफ हमारे खर्चे जो हमारा मेन ईंधन है जो डीजल है उसकी कीमतें बढ़ती जा रही है, तो दोनों ही तरफ से दो धारी तलवार से हमको हम पे वार हो रहा है। दूसरी बात, इसका फ्यूचर कैसा है, तो देखिए आज की तारीख में हम सब इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि भाई आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि ये लॉकडाउन का फेज कब तक चलेगा, ये अनलॉक कब तक रहेगा, कब फिर से लॉकडाउन जारी कर दिया जाएगा, नेशनली नहीं तो रीजनली किया जा सकता है, जैसे अभी हम सुनने में आ रहा है कि भाई चेन्नई को कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है, तो ये सारे इश्यूज हमारे लिए बिजनेसेस कब तक नॉर्मल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक बिजनेसेस नॉर्मल नहीं होंगे तब तक हमारा बिजनेस नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली हम एक सर्विस सेक्टर हैं, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द बिजनेस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, तो जब तक ये सब इंडस्ट्री नॉर्मल नहीं होगी, आज सिंपल सी बात है, हम अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे निर्भर हैं, अगर आज हम उनकी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट करते हैं या उनकी गाड़ियां स्टोर करते हैं, और अगर जब तक वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उभर के नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानते हमारा बिजनेस उभर के आ सकता है, तो ये कई सारी चीजें हैं जिसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा, आने वाला समय बहुत कठिन है।
बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने जो बात कही है कि आने वाला समय काफी कठिनाइयों से भरा होगा, ऐसा आपका मानना है, क्योंकि आपका तजुर्बा और आपने जो जिस आप जो सफर कर रहे हो उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही बात है। ऐसा अगर मैं कहूँ तो उसमें कोई दोराय नहीं होना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये भी था अग्रवाल साहब कि सरकार से अब आप क्या अपेक्षा रखते हो, व्हाट यू डू एक्सेप्ट बाय गवर्नमेंट? देखिए, ये अपेक्षा सिर्फ सरकार से नहीं है, व्यवसाय से है, व्यापारी से है, बिजनेसमैन से है। सबसे पहली बात है कि ट्रांसपोर्ट को एक थोड़ा सा इज्जत का नजरिया दें। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो इस कंट्री की बैकबोन है, उसके बिना आज आप जैसे सिंह साहब ने शुरुआत में कहा कि एक चीज, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसका एक ही माध्यम है, वो है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट को जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सबसे पहले वो ड्यू रिस्पेक्ट मिले, उसको एक इंडस्ट्री स्टेटस मिले, और उसकी जो तकलीफें हैं चाहे फिर वो ईएमआई को लेके है, क्योंकि आज ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे ये हैवी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है। आपको पहले 25 लाख की गाड़ी लेंगे तो जाके कहीं ना कहीं आप बिजनेस कर पाएंगे। तो इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है, उनके ऊपर किस्तें होती है, किस्तें भरने की तकलीफ होती है, ऑन द रोड प्रॉब्लम्स होती हैं। आप मानेंगे नहीं, आज की तारीख में भी जहाँ पे बिजनेस कम हुआ है, जहाँ पे हम इच्छा रखते हैं कि भाई सरकार हमारे फेवर में हो, वहां भी रोड पे जो प्रॉब्लम आती है, जो आरटीओ बैरियर्स पे प्रॉब्लम आती है, ये सब प्रॉब्लम्स को लेके कहीं जो जो राजेंद्र सिंह जी ने शब्द यूज किया कि हम फील करते हैं कि हम यतीम हैं, वो कहीं ना कहीं सही लगता है। बिल्कुल, जिस तरह यानी आपने भी पूरी तरह से एक सहमति उनसे जताई है, क्योंकि उनके जो कारोबार जिस प्रकार से चल रहे हैं उन बातों को लेके, इस इंडस्ट्री का कोई भाई बाप नहीं है। हालांकि हम कहते हैं कि एक रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो हमारे ही नितिन गडकरी जी हैं जो कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को लेके कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ आगे का फ्यूचर में ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई इसको कहां ये आगे जाएगा। लेकिन नितिन गडकरी साहब काफी अच्छा कामकाज कर रहे हैं इस दिशा में, लेकिन ऐसी क्या बात हो रही है कि काम को पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे, जबकि काम तो वे अच्छी तरह से कर रहे हैं? देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसमें दो पहलू है। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, जहाँ पे आपका रोड कंस्ट्रक्शन है, आपका हाईवे डेवलपमेंट है, ये सब सुविधाएं बहुत बढ़िया हो रही है, फास्ट टैग्स आ गए हैं जिससे कि चीजें इंप्रूव हो रही है। पर दूसरा जो है जो बिजनेस सेंटिमेंट साइड है, जो सॉफ्टवेयर साइड है, जो ड्राइवर्स का है प्रॉब्लम, ये सब चीजें हैं जो रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको खत्म करना, ये सब चीजें नहीं हो पा रही है। और यही एक मुख्य वजह की जिसके चलते आज ये लॉकडाउन एक नाम मात्र हो चुका है, जिसके चलते लोग काफी प्रभावित हुए, ये कारोबार पूरी तरह से भुखमरी की कगार पे तो आ चुका ही है, क्योंकि ड्राइवर छोड़ के जा रहे, कई ऐसे ट्रक मालिकों की भी हालत जो है काफी बुरी हो रही है, और कई दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उनके परिवार का गुजर बसर नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्याज से पैसे लाना और घर काम यानी जो कामकाज है उसको चलाना ये बड़ा काम होता है, लेकिन ब्याज से पैसा लाना और उसके ऊपर में जो ब्याज बढ़ रहा है वो देने के लिए अपने पास कुछ इनकम सोर्सेस नहीं है, ये सबसे बड़ी एक बात है। मैं फिर से एक बार रुक करना चाहूंगा हमारे राजेंद्र सिंह साहब के बारे में। राजेंद्र सिंह साहब, आप ये बताइए कि आज आप क्या प्रॉब्लम को फेस करना चाहते हो, किस प्रकार के प्रॉब्लम आज आपको है, जैसे कि डीजल का रेट होगा, डीजल के रेट काफी बढ़ते चढ़ते हुए नजर आते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय, मैं ये जानना चाहूंगा। उसके बाद आज काम नहीं है आप लोगों के पास में, वो भी एक बात है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होगी, ये भी मैं जानना चाहूंगा। और तीसरा मेरा जो सवाल था सबसे महत्वपूर्ण, कि जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट ये जो व्यवसाय होता है जिसको बैकबोन कहा जाता है इस देश का, जो रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसमें भी शिथिलता आ चुकी है, टूटी है मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा, शिथिलता आ चुकी है, लेकिन ड्राइवर जो इस वाहन को चला के अपने गंतव्य स्थान तक माल को जो ढुलाई करता है पहुंचाता है उसको, उसका भी कुछ अपना एक प्रॉब्लम होता है, तो ये तमाम जो तीन मैंने आपको जो पॉइंट्स दिए हैं उसके ऊपर में आप क्या कहना चाहोगे राजेंद्र सिंह साहब? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसके साथ में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल जरूर। देखिए कि ये तो सबको पता है कि इस दौर के अंदर में हर एक आदमी, हर इंसान जो भी अपने कंट्री के अंदर में है, हर व्यवसाय, हर बिजनेस, सभी को तकलीफ हुई है जी। और वो तकलीफ के अंदर में हम ये चाहते हैं कि एक इंसानी फर्ज के नाते दूसरे इंसान के प्रति उसके हमारी कोऑपरेशन चाहिए, बिल्कुल उसके लिए मदद का हाथ आना चाहिए। आपने देखा होगा
कई लोग जो है लंगर भी लगा रहे हैं, कई कुछ कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो अपने इंसानी फर्ज के हिसाब से जो जो कर सकते हैं वो करते हैं। हमारे को जो दुख का होता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट का एक हमारे प्रति अथॉरिटीज का आरटीओ का जो रवैया है, आज भी दुख भरे टाइम के अंदर में भी उनके दिमाग के अंदर वही पुराना कीड़ा भरा हुआ है करप्शन का। उनके दिल में आज भी वो चीज नहीं है। आपके साथ में शेयर करता हूँ कुछ इंसिडेंट। बिल्कुल, राजस्थान में, राजस्थान में पुलिस वाले तो छोड़िए क्यों, ये कोरोना को कंट्रोल के लिए रोड के ऊपर में होम गार्ड, एनसीसी, उन लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अच्छा, एनसीसी वाले आदमी भी गाड़ी रोक के ड्राइवर के पास पैसा मांगते हैं, तुम कहां से आए, तुम्हारे को परमिट दो। गवर्नमेंट ने इश्यू किया हुआ है कि गाड़ी चलाने के लिए चाहे उसमें एसेंशियल गुड्स है या कोई भी है, उसको कोई नहीं रोकेगा। रोक लेते जी परमिट लाओ, परमिट कोई देता नहीं, अभी उसको कौन समझाए कि नहीं है। वहां पर उनकी तूतू मैमे होगी, ड्राइवर के हाथ पे डंडा मारा, उसका हाथ टूट गया, वो कैसे गाड़ी चलाएगा। सही, ये तो आज के दिन के अंदर में प्रतिक्रिया है जी। आज भी देखिए एमपी में, खास करके राजस्थान में, जो पहले से एंट्रियां लेते थे आज उससे भी ज्यादा वो गाड़ी वाले को परेशान कर रहे हैं। मेरा एक ये आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कहिए, बिंदास कहिएगा। 30 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर में उन्होंने कहा कि गाड़ी के 30 जून तक जो लाखबंदी की वजह से कोई टैक्स भर पाया या नहीं भर पाया, किसी ने इंश्योरेंस रिन्यू कराया या नहीं कराया, ये सारे दफ्तर भी बंद थे, सब कुछ है, तो उसका 1 फरवरी के बाद जिसका भी कोई टैक्स बाकी है और उसके बाद में 30 जून तक सब गाड़ियों के वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, किसी को भी कागज के लिए नहीं रोका जाएगा और किसी गाड़ी के कोई डॉक्यूमेंट चेक करने की जरूरत नहीं, जब गवर्नमेंट ने 30 जून तक उसको वैसे ही टाइम दे दिया। सही बात। फिर अभी उसके ऊपर में चेकिंग हो रही है, परेशानी कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपया, 3-3 हजार रुपया एंट्री मांगी जा रही है। तो ये कहां से ये लूट, जब तक सरकार अपने एक हाथ से तो ये कर रही है, दूसरी तरफ से उनको कोई कंट्रोल नहीं है। इस चीज के ऊपर में नहीं करेंगे तो ये गाड़ी वाले जो हैं, जो ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रेशर में हैं, जो सांस थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं, ये जी सारी चीजों के साथ में ये लगता है कि उनके सांस जल्दी निकल जाए। हम ये नहीं चाहते, आप सोच के देखिए हमारे मुल्क के अंदर अगर गाड़ी नहीं चले तो क्या स्थिति होगी, हमारा कैसे जीवन होगा, कैसे हम 4 दिन के आगे निकल पाएंगे, आप सोच के देखिए। क्यों नहीं गवर्नमेंट इन तरफ सोचती, आज क्या जरूरत है किसी को, ये क्यों नहीं, अभी ये 30 जून तक था जी। अभी पीछे रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 30 सितंबर तक कर दिया है। बिल्कुल, कि 30 सितंबर तक ये डेट बढ़ा दी गई है। तो हमारा ये एक मानना है कि गवर्नमेंट को और सब स्टेट गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट ने 30 सितंबर तक का टाइम दे चुके हैं कि किसी भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट वैलिड समझे जाएं, तो उसकी चेकिंग करने की क्या जरूरत पड़ती है, सारे चेक पोस्ट हटाए जाएं और किसी जगह गाड़ी को नहीं रोका जाए और उसके ऊपर में विजिलेंस डिपार्टमेंट या उनके होम डिपार्टमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए, अगर वो मुल्क को सही तरीके से लाना चाहते हैं, जिससे हमारी जो आज इकोनॉमिक स्थिति है वो जल्दी पटरी पे आ सकती है। दूसरी जो बात मैं आपको कहूंगा कि देखिए आज हमारे कंट्री के अंदर में जो गाड़ियों की पोजीशन है, फैक्ट्रियां बंद हैं, गाड़ी कहीं लोड करके जाती है तो आगे उसको अनलोडिंग के लिए हमारे पास में लेबर नहीं मिलती, गाड़ी लोडिंग करने जाती है तो लेबर नहीं है वहां पर, ड्राइवर नहीं है जी, और कंपनियों के अंदर में भी स्टाफ नहीं है, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन के लिए स्टाफ नहीं है। मैं आपको शेयर करता हूँ कि एक कार बनाने वाली फैक्ट्री में जी मतलब 300 कार रोज की बनाते हैं, पर उसमें से 25 या 30 कार तैयार होकर निकलती है, एक पुर्जा किसी एक्सेसरीज का नहीं आया तो भी तो गाड़ी तो तैयार होकर नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से जो इन हालातों के अंदर में आपस में कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है,
ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा महत्ता देने की जरूरत है। जी, जो अभी 35-40% जो हमारा एक जो हमारा फीलिंग है जी, हमारे एक्सपीरियंस के साथ में 50 साल के मैं आपके साथ बिल्कुल, में, बिल्कुल, आपके माध्यम से बिल्कुल, पूरी बिल्कुल, सरकार के यस, और पब्लिक के ये सन्मुख लाना चाहता हूँ कि देखिए अभी 40% गाड़ी चलती है, 60% गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी के ऊपर में 1,00,000 रुपए महीने का उसके ऊपर में खर्चा है। तो वो जो 60% गाड़ी का जो नहीं चलेगी, जिसका माल नहीं है आज मार्केट में, डिमांड नहीं है, तो उस गाड़ी की जो लाइबिलिटी है चलती गाड़ी को भी खा जाएगी। सही बात। तो ये तो पूरा बैंक करप्ट होगा। तो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, फाइनेंस मिनिस्टर को, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को इन चीजों के तरफ में ध्यान देके, इनका एक कंसल्टेशन करके कोई अच्छा रास्ता निकालना चाहिए, जिसके अंदर में हमारे अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट वाले मर गए, ऑलरेडी वो बैंकक्रप्टसी के ऊपर में है, तो क्या हाल होगा हमारे कंट्री का। इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए, ये मैं एक चीज बात कहता हूँ। अभी आपके साथ में बात है, आप मीडिया में है, दूसरी बात आपने करी डीजल की। डीजल जो है, आपने सबको पता है कि लॉकडाउन के टाइम के अंदर में नेगेटिव में आ गया था। गवर्नमेंट ने खुद आज से 2 साल पहले कहा कि हम डेली प्राइस इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। जी, अगर इंटरनेशनल प्राइस कम होगी तो उसका फायदा एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेन है जो डीजल यूज करते हैं, थोड़ी इंडस्ट्री भी करती है, तो पब्लिक को यह फायदा देना चाहिए। चलो इन्होंने फायदा नहीं दिया, हम एक बात यह भी मान लेते हैं, भी महामारी का अपने मुल्क ने उसको मुकाबला करना है, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, टैक्सेस चाहिए, पर यह टेम्परेरी है। पर आज अभी अगर बढ़ रहे हैं तो उसको पिछले 10 दिनों के अंदर में 6 रुपए लीटर डीजल का रेट बढ़ा चुके हैं। ये तो बिल्कुल सरासर ऐसे लगता है कि जैसे हमारे जख्मों के ऊपर में नमक छिड़का जा रहा। बिल्कुल राजेंद्र सिंह साहब तमाम बातों के ऊपर में आपने गौर फरमाया है। जिस तरह से आपने जो बात सरकार के ध्यान में लाके दिए, ये काफी अच्छी बात आपने इस मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास आपने किया है। मैं आपको और 2 मिनट आखिरी के देना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद में ये कार्यक्रम आखिरी के सेगमेंट में मुझे अग्रवाल साहब से भी बात करना है। राजेंद्र साहब, आखिरी के 2 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। अब आप ये पूरे टॉपिक को लेके जो हमारी जो चर्चा हुई है उसके ऊपर में किस प्रकार का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, क्या आपकी प्रतिक्रियाएं हैं? हमारा गवर्नमेंट ये मांग है कि जो टैक्सेस हैं, परमिट है, इंश्योरेंस है, ईएमआई है, ये कम से कम 6 महीने के लिए माफ होनी चाहिए। जी। जो गाड़ियां नहीं चलती हैं उनका मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजन है कि उसके पर जो है डॉक्यूमेंट हम सरेंडर कर सकते हैं, तो उसका सरेंडर करने के बाद में उसका टैक्स नहीं लगता है, ताकि उसकी जो है राहत मिल सके। आज हम सरकार के पास में जाते हैं कि हम ये परमिट सरेंडर करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम सरेंडर करेंगे साथ में कैंसिल कर देंगे, कोई अपनी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर तमिलनाडु में अपने हक के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डालनी पड़े कि हमारा टैक्स माफ करो, ये हर एक चीज को दिखाई देता है, हमारी नजायज मांग नहीं है। तो इसके अंदर में भी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, उनको जब चाहिए हमारा, देखिए टैक्स जो है गवर्नमेंट फिक्स करती है जी, इंश्योरेंस गवर्नमेंट फिक्स करती है, गाड़ियों की प्राइस भी गवर्नमेंट के थ्रू भी फिक्स होती है, फैक्ट्री वाला फिक्स करता है, और उसके बाद जो अभी डीजल के रेट हैं ये भी गवर्नमेंट फिक्स करती है। और मेरा भाड़ा जो है वो जो माल ढोता है, जिसका माल है वो फिक्स करता है, मैं कहां जाऊंगा। इन चीजों के अंदर में गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो हमारी एक तो ये है कि ये टैक्स माफ होने चाहिए, जो रोज रोज का डीजल बढ़ता है गवर्नमेंट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 आना 8 आना रोज का डीजल बढ़ाते हैं, जो गाड़ी वाला कहां से हिसाब रखेगा। जो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट भी हैं वहां पर वो होता है कि 1 महीने में या 3 महीने में उसके बाद में जितना रेट बढ़ा उसको देखा जाएगा। आपके साथ में जो लास्ट ईयर का एक फिगर दे के मैं बात करना चाहूंगा कि 3 रुपए अगर एक दिन में डीजल का रेट बढ़ता है जी, तो जो हिंदुस्तान में जितनी गाड़ियां चलती हैं
तो पूरे व्यवसाय के ऊपर में 99 करोड़ रुपए का एक दिन में नुकसान असर होता है। ये हमने लास्ट ईयर में डाटा निकाल के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सामने भेजा था। ये भी आपका तो कुछ नहीं है, जितने दिन का आपका एवरेज आया एक महीने के बाद में आप उसको बढ़ा दो एवरेज करके, आपको तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। पर हमारे ये जो है नुकसान, ये बर्दाश्त करने से बहुत मुश्किल है। इस चीज के ऊपर में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। ऐसी बार बार गुहार इस कार्यक्रम माध्यम से क्यों ना हो। चेन्नई से हमारे साथ में जुड़ चुके हमारे मेहमान राजेंद्र सिंह साहब ने ये गुहार सरकार के पास लगाई है, मैं उनके बारे में। तीसरी जो है 30 सितंबर तक जब ये जीएसटी है जी, जीएसटी का एक जगह से लोड होता है, वो फार्म बन जाता है, जहां तक जाता है रास्ते में कोई उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सर्टिफाइड है जी, जी। इसी तरीके हमारी गाड़ी जो जहां से लोड होती है उन्होंने नेचुरल परमिट दे चुके हैं, तो जहां से जाती है जहां तक जाना है वहां से उसको सर्टिफाई फर्स्ट चेक से हो जाए, और सारे रास्ते के जो है गाड़ी के किसी बॉर्डर पे चेकअप नहीं होना चाहिए। ये सारे बॉर्डर बंद करने चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट बॉर्डर बंद नहीं करेगी, एक ना दिन अपने ही कंट्री के अंदर में ये 28 कंट्री बना के बैठ जाएगी। अरे ये एक रिक्वेस्ट है कि इन चीजों के ऊपर में गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल के आके प्रॉब्लमों को समझ के उसको डिटेल करके ऐसे रास्ते निकालें कि व्यवसाय चले, बिजनेस चले, हमारा कंट्री आगे ग्रोथ करे, और हम उसके लिए पूरा गवर्नमेंट के साथ में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पर इस तरीके जैसे चलेगा ये जर्नी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे जैसे जिसका तेल मुकता जाएगा वो रुकता जाएगा। बिल्कुल, काफी अच्छा आपने विश्लेषण किया है। और जिस तरह से सरकार के कानों में अब तक की जू नहीं रेंग रही थी, लेकिन आपने ये पूरे विषय सरकार के सरकार को पूरी तरह से समझा दिए है, भेज दिए है। हो सकता है कि हमारा ये प्रोग्राम सरकार के कई मंत्री भी देख रहे हो, तो मैं उन तमाम ऐसे महानुभाव हमारे मंत्रियों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए इस देश के जो ट्रांसपोर्ट जो व्यवसायी है उनके ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। और इसकी कोरोना संक्रमण से, कोरोना महामारी से नहीं हो रहा है, बल्कि उसके अलावा जैसे कि आरटीओ है, चेक पोस्ट है, वहां की पुलिस की तानाशाही है, डीजल के भाव बढ़ चुके हैं, ट्रकों का जो लाइसेंस है उसको लेके, इंश्योरेंस को लेके, यानी तमाम तमाम जो ऑफिशियल जो बातें हैं उनसे इन ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को या जो गाड़ी का मालिक है उसे कहीं भी तनिक भी उसे अच्छा चांस नहीं मिलता है, जिसके चलते वो अपना अच्छा काफी कामकाज करे, क्योंकि प्रशासन की हर नीतियां इन लोगों को एक्सप्लॉइट किस तरह से की जाए इसके ऊपर भी इनका काफी फोकस होता है। और यही बात है कि बैकबोन कहे जाने वाला ट्रांसपोर्ट का ये व्यवसाय दिन ब दिन पाताल में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पैसे का स्रोत जो बंद हो जाएगा। अब मैं आखिरी के सेगमेंट में हूँ, हमारे दूसरे मेहमान राजा संजय जी, मैं एक आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा, एक सेकंड लूंगा। चलो ठीक है, आपने कहा था कि भी मेरा जो भावक है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा 50 साल के ऊपर 55 साल हो गए, मेरे को 65 से मैं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर भी ट्रांसपोर्टर थे, मेरा बेटा भी ट्रांसपोर्टर है जी जी। और आज से 10 साल पहले जब मैंने ये सोचा कि मैं अभी रिटायरमेंट ले लूं, तो ये सोचा कि मैं आज जो कुछ भी तरक्की की है इसी व्यवसाय की वजह से की है। तो ये जो है अभी जो बाकी की जो मैं जिंदगी अपनी, मेरा ये है कि मैं अपने व्यापार की वजह से, जिस व्यवसाय की वजह से, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरे मन में ये समर्पण किया है कि मैं इसकी बेहतरी के लिए यूज करूंगा। तो ये एक मेरा है जिसके लिए मैं भावुक हो जाता हूँ। बिल्कुल, मेरा आखिरी का सवाल आपसे ये है कि आप मानते हो कि सही मायने में भारत देश आजाद हुआ है, नाम के लिए हुआ है, लेकिन वास्तविक में यदि देखा जाए तो भारत देश के नागरिक क्या सही में आजाद हुए हैं या नहीं, क्या कहना चाहेंगे, ये भी सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारी ठीक है कि 1947 में अंग्रेज जो है हिंदुस्तान को छोड़ के आजाद करके चले गए, पर हमारी 800 साल की गुलामी ने हमारे जो मन है, आत्मा है,
वो आज भी गुलाम है, दूसरों के जो है जूते के नीचे हैं, अपने दिमाग से काम नहीं लेते, अपना नहीं सोचते, अपने भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, अपने साथ वाले जिसके साथ में खड़ा होना चाहिए उसी के साथ में ये ऐसा व्यवहार करते हैं, तो कई बार तो अपने आप के ऊपर में शर्म आ जाती है। पर जब तक हमारा मन और आत्मा आजाद नहीं होगी, हम आजादी लेके नहीं आजाद हो सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दिया है और इसका काफी फर्क दिखाई देगा, इसका असर सरकार के ऊपर में यकीनन होगा, क्योंकि सरकार अगर दिल से दिमाग से अगर सोचती है, इन बातों को ध्यान में लाती है और बैकबोन कहे जाने वाली इस व्यवसाय के और ध्यान देगी और उनका जीवन संवर्धन करती है, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं जब इस देश का नागरिक, मैं भारत का लोकतंत्र देश में रहने वाला नागरिक हूँ, पूरी तरह से आजाद हूँ कहते हुए बता सकता है। मैं राजन अग्रवाल साहब आपके तरफ आना चाहता था, मेरा राजन अग्रवाल साहब आखिरी के सेगमेंट में है। अग्रवाल साहब, आखिरी का सवाल आपके, अगर कोई सुझाव है सरकार के लिए तो वो किस प्रकार के है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ये बहुत ही कहते हैं एक अस्थाई स्थिति में है, जहाँ पे इसको इसको स्थाई रूप से सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एक हम ट्रांसपोर्ट या बिजनेस के लाइन में कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसी तरह ईज ऑफ डूइंग ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। इसमें कई सारे पहलू आते हैं, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट ओनरशिप, ट्रक ओनरशिप से लेके कैसे उसको एकदम ईजी किया जाए, कैसे उसको प्रायोरिटी सेक्टर फंडिंग दी जाए, और जो ये ऑन रोड प्रॉब्लम है, जो डे टू डे प्रॉब्लम है, इसको कैसे खत्म किया जाए, ये सारे पहलुओं को देखकर जिससे कि ईज ऑफ डूइंग ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट बिजनेस वालों को बहुत सारी सहूलियत दी जाए, जिससे कि वो खुल के ये बिजनेस कर सकें, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट आगे प्रगति करेगा वैसे वैसे देश आगे प्रगति करेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट का कामकाज बढ़ेगा, वो जैसा उनमें डेवलपमेंट होगा तो यकीनन देश का भी डेवलपमेंट होगा। और इज ऑफ डूइंग ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आपने काफी अच्छी बात की, ऑन रोड की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं या पूरी तरह से उसको उन प्रॉब्लम को जमीन दोज कर सकते हैं, इसके बारे में भी काफी अच्छी आपने जानकारी दी। हो सकता है कि आज के हमारे दो मेहमान राजेंद्र सेन साहब जो कि चेन्नई से जुड़ चुके थे, तो वही राजन अग्रवाल साहब नागपुर से जुड़ चुके थे, आप दोनों ने जिस अंदाज में जो बात कही है, हो सकता है कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान फरमाए और आने वाले दिनों में बैकबोन कहे जाने वाले इस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का जो दिन है वो काफी अच्छा आ जाए और सुजलाम सुफलाम जिसे कहते हैं, और चार चंद लग जाए उनके काम में, कोई भी भूखा न रहे, क्योंकि ऊपर वाले ने जहाँ चोज दिया है दाना ही ऊपर वाला देगा, मगर ऊपर वाले के साथ साथ केंद्र शासन, केंद्र सरकार भी ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए, इतना ही नहीं तो जिला प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय इनके ऊपर में इनका जब तक अच्छा कामकाज नहीं होगा, इनका जीवन संवर्धन नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। और पैसे से दुनिया चलती है, पैसे से दुनिया चलती है, क्योंकि कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो दर्शकों, ये थे आज के टॉपिक में हमारे दो मेहमान, अगली बार फिर किसी नए विषय को लेकर हम आपसे रूबरू होंगे। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम इनबीसी न्यूज द्वारा पेशकश किया गया है यह टॉपिक, हर समय नए टॉपिक को लेकर हम इसी तरह पैनलिस्ट को बुलाकर आपसे रूबरू करते रहेंगे। अब हाँ, आप हमें दीजिए इजाजत और मैं फिर से एक बार दोनों हमारे महानुभावों का, दोनों मेहमानों का दिल से मैं इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए संजय जी, थैंक यू।